आज उज्जैन के पिंगलेश्वर बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन से हमने कहा था कि बीजेपी सरकार बनाएंगे। ये अलग बात है कि विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं था। विपक्ष जिस ढंग से व्यवहार कर रहा है ये अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर दुनिया में किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन ये छोटी भावना है। जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन से कह रहे थे, ये अलग बात है कि विपक्षी मानने को तैयार नहीं, ना ये 2014 में मान रहे थे, ना 19 में मान रहे, ना आज मान रहे, और जिस ढंग से व्यवहार कर रहे अराजकता उत्पन्न कर रहे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कभी दुनिया में किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया है, लेकिन ये छोटे मन के छोटी भावना से एक स्वस्थ खेल मनोदशा के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा आपसे कि वो अगर पराजित हो रहे हैं तो अपना आत्मावलोकन करें, अपने लिए अगला चुनाव फिर आएगा 5 साल बाद, उसमें क्या दिक्कत है। अनूपपुर के वार्ड नंबर 15 में उस वक्त हंगामा मच गया जब इलाके में लकड़ बग्घा घुसाया। लकड़ बग्घे को लोगों ने घूमते हुए देखा तो आसपास दहशत का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने लकड़ बग्घे के घूमने का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। दतिया की बात करेंगे जहां पर एएसआई रमेश अहिरवार ने सेवानिवृत्ति पर जश्न मनाया, वो भी बार बालाओं के साथ। एएसआई धीरपुरा थाने से 31 मई को रिटायर हुए थे, जिसके बाद 2 जून को उनके साथियों ने उन्हें रिटायरमेंट की पार्टी दी। इस पार्टी में खाने पीने के साथ ही बार बालाओं का डांस भी रखा गया था। बालाओं पर जमकर नोट लुटाए गए। जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरबा में मौसम का मिजाज बदला। यहां पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। लोगों को मिली गर्मी से राहत। दो तस्वीरें हैं, पहली जांजगीर चांपा की तस्वीर है, दूसरी कोरबा की तस्वीर है। झमाझम बारिश जो है यहां पर दर्ज की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आयाम देने के काम को आगे बढ़ाते हुए सांसद गजेंद्र पटेल ने मतगणना को लेकर नवाचार किया। मतगणना में बड़वानी विधानसभा की कमान महिलाओं को सौंप दी है। संभवतः यह देश का पहला मामला होगा जब मतगणना में महिला मोर्चा संभाल कर वोटों की गिनती पर नजर रखेंगी। भाजपा महिला मोर्चा का समूह 21 टेबल की ईवीएम मशीन के नतीजों पर नजर रखने का काम को अंजाम देगा। यही नहीं, सभी महिला कार्यकर्ता एक ही ड्रेस कोड में यानी कि केसरिया साड़ी पहनकर मतगणना स्थल पहुंचेंगी। इससे पहले मतगणना में हिस्सा लेने वाली सभी महिलाओं को मतगणना को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया। नारी शक्ति, मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस मतगणना में हमने हमारे बहनों को भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत किया है। कल बड़वानी विधानसभा की 21 टेबल पर हर टेबल पर हमारी बहनें काउंटिंग में नजर आएगी और निश्चित तौर पर 33% आरक्षण के साथ में महिलाओं को बढ़ाने के लिए जिस विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए लोकसभा की इस मतगणना में भी कल हमारी बहनें दिखेगी और महिलाएं इसमें बड़ा उत्साह से भाग ले रही है, इसलिए कल इस उत्साहवर्धन को काउंटिंग के रूप में हम सब लोग देखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में